जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों, आज्ञा चक्र पर बिना सहारे के ध्यान कैसे लगाएं या ध्यान कैसे टिकाएं? बहुत अच्छा प्रसंग है भक्तों, क्योंकि जहाँ आज्ञा चक्र है, तीसरा नेत्र है, दसवां दरवाजा जिसे कहते हैं, वहाँ कुछ दिखाई तो देता नहीं, और जब दिखाई देता नहीं और अनुभव भी कुछ नहीं होता, तो वहाँ पर ध्यान कैसे टिके, ध्यान कैसे लगे? भक्तों, कोई ध्यान इशारे से करता है, कोई बिना इशारे के करता है, और हर प्रश्न का उत्तर प्रश्न के अंदर ही छुपा हुआ होता है। समझने वाले समझते हैं और ज्ञानी जो होते हैं वह प्रश्न के अंदर से ही उत्तर निकाल लेते हैं। जो ध्यान की अवस्था में अभ्यास रहते हैं वह तो अपने आप अपने मुकाम पर पहुंच ही जाते हैं, लेकिन नए लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर वो दृढ़ता के साथ ध्यान करते हैं, नाम जप करते हैं, तो उनके लिए भी कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल उनके लिए है जिनके पास दृढ़ता नहीं है, जिनके अंदर विश्वास नहीं है। बाकी तो इस संसार में मनुष्य शरीर जिसको मिला है उसे कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि जो संभव ना हो सके। हमारे इस पंच तत्व के शरीर में ही परमात्मा स्वयं विराजमान है, उनकी ही सब रचना है, और उन्होंने इसमें वह सब कुछ दे दिया है जो एक इंसान को चाहिए। आप विज्ञान को देखें, विज्ञान कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। ऐसी ऐसी चीज़ें बना दी कि जो पहले लोगों ने सोचा भी नहीं था, ऐसे ऐसे आविष्कार हो रहे हैं। ये तो विज्ञान की बात है। अब आप ज्ञान पर आ जाइए। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, उससे कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, जो नामुमकिन हो, जो असंभव हो, वह भी प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन ज्ञान कौन सा? ज्ञान भी बहुत प्रकार का है। जिस ज्ञान से सब कुछ पाया जा सके, असंभव संभव हो सके, नामुमकिन मुमकिन हो सके, वह है अध्यात्म ज्ञान। और अध्यात्म ज्ञान के अंदर भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, बहुत प्रकार के ध्यान हैं, बहुत प्रकार की साधनाएं हैं। लेकिन जैसा इस टॉपिक में बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है या पूछा जा रहा है कि आज्ञा चक्र जिसका खुल जाता है उसे बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है, और अगर आज्ञा चक्र खुल जाने के बाद में अगर वो अपने अभ्यास में अभ्यासरत रहते हैं तो उन्हें उस परमात्मा की भी प्राप्ति हो जाती है जिसने अनंत कोट ब्रह्मांडों को बनाया है, जो कण कण में विद्यमान है। लेकिन प्रश्न यह है कि उस आज्ञा चक्र को बिना सहारे से कैसे खोलें, उसका ध्यान कैसे करें, वहाँ पर मतलब ध्यान कैसे टिकाया जाए, क्योंकि वहाँ तो कुछ नज़र तो आता नहीं। बहुत से लोग जब ध्यान करते हैं आज्ञा चक्र का, तो कोई उंगली रख लेता है, कोई अंगूठा रख लेता है। लेकिन जो प्रश्न है वह यह कह रहा है कि बिना सहारे के ध्यान कैसे लगाएं। तो वास्तव में ही बिना सहारे के ही ध्यान लगता है, लेकिन हर किसी का नहीं लगता है। जो अपने अंदर दृढ़ विश्वास रखते हैं, खाली विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास रखते हैं कि इससे ऐसा होगा ही शब्द जहाँ लग जाता है
वह 100% सिद्धता स्वीकारी जाती है, ये हमारे संतों का कहना है। तो भक्तों, आप केवल केवल बिना सहारे के आज्ञा चक्र को खोलना चाहते हैं और ध्यान लगाना चाहते हैं, ध्यान को टिकाना चाहते हैं, तो आप केवल केवल प्राण जप करें। प्राण जप का मतलब श्वासों का जप करें, आती जाती श्वासों का घर्षण करें। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, जा रही है, सिर्फ आप वो देखते रहें और आप कुछ करें नहीं। आज्ञा चक्र का भी बताया गया है कि दोनों भवों के बीच में देखें मन की आँख से, वह भी आपको देखने की आवश्यकता नहीं है अगर आपके अंदर दृढ़ विश्वास है तो। जैसे ही आप श्वासों का मंथन करते रहेंगे, आती जाती श्वास को देखते रहेंगे, श्वासों का घर्षण होता रहेगा, ये 2-4 दिन का काम नहीं है, ये वैसे तो सालों का काम है, लेकिन आपके अंदर दृढ़ विश्वास होगा तो 2-4-6 महीने में ये आसानी से हो सकता है। केवल आप केवल श्वासों के घर्षण को देखते रहें और कुछ न करें। आप आज्ञा चक्र पर देखें भी नहीं, दोनों के भवों के बीच में ध्यान भी न टिकाएं, ध्यान भी न लगाएं, तो कुछ समय के बाद क्या होगा, यह सुनने की बात है। कुछ समय के बाद में सांसों के घर्षण से, श्वासों के जप से, श्वासों के ध्यान से, क्योंकि श्वासों को तो ध्यान तो किया जा सकता है, श्वास आ रही है, जा रही है, उसको तो आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन आज्ञा चक्र कोई जगह है, उस जगह पर देखना, उस जगह पर ध्यान टिकाना, लगाना, वह बड़ा मुश्किल काम है। तो अगर आप निरंतरता से और दृढ़ विश्वास के साथ श्वासों के साथ जुड़े रहेंगे, घर्षण होता रहेगा, श्वास आ रही है, जा रही है, आप देख रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं, तो कुछ समय के बाद में जब आपका अभ्यास बढ़ जाएगा तो आपके आज्ञा चक्र में स्पंदन होना शुरू हो जाएगा, कंपन शुरू हो जाएगा, एक वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी, यानी कि लुप लुप होगी आपके आज्ञा चक्र पर। वो आपको करनी नहीं है, वो प्राकृतिक आपके श्वासों के घर्षण से होगी। इसमें बिल्कुल 100% सिद्धता है। और जब वहाँ पे स्पंदन होने लगेगा तो आप आसानी से ध्यान लगा सकते हैं, क्योंकि स्पंदन हो रहा है, आप बैठे हैं या लेटे हैं, आपने आज्ञा चक्र पर देखा, वहाँ स्पंदन हो रहा है। स्पंदन का मतलब है आपका 10वां दरवाज़ा खुल रहा है, और जिसका 10वां दरवाज़ा खुल रहा होता है, उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है, भूतकाल वर्तमान उसे नज़र आने लग जाता है, उसे अपार सिद्धियाँ मिलने लग जाती हैं, और अंत समय में उसको परमात्म तत्व की प्राप्ति भी होती है। तो इसलिए आज्ञा चक्र पर बिना सहारे के आप इस तरह ध्यान लगा सकते हैं और जो चाहें वह प्राप्त कर सकते हैं। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।